नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के लिए अपडेट मिल जाएंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एरिस कोल्ड कॉफ़ी को जो कि काफ़ी बढ़िया और टेस्टी है, तो आप लोग हमें बताएंगे एरिस कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने ली है कॉफ़ी, ली है कॉफ़ी पाउडर लिया है, इसका एक्चुअली वो भी आता है कॉफ़ी पाउडर, शक्कर, क्रीम, फ्रेश क्रीम लेना है। आप कोई भी फ्रेश क्रीम ले लीजिए और आइस, और क्रीम को फेंटना है। तो इसमें से आप कोई भी क्रीम जो फ्रेश क्रीम मिल जाती है आपको ले लीजिए, या आपको रिज गोल्ड की क्रीम आती है जो बेकरी में यूज करते हैं व्हिप क्रीम, वो मिल जाती है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा फेंट नहीं पड़ेगा, शक्कर अलग से मिक्स नहीं करने पड़ेगी। कॉफ़ी, शक्कर, क्रीम और आइस, ये हमें चाहिए बनाने के लिए। आप में हॉट की भी आती है, जिस कंपनी की आप मिल जाए, अमूल की मिल जाए, जिसकी भी मिल जाए आप ले लीजिए और उससे बना लीजिए। और इसमें हमने जो क्रीम लिए करीब 150 ग्राम, ये देखिए फ्रेश क्रीम है, या डेयरी में मिल जाए आपको फ्रेश क्रीम। और हमने 150 ग्राम फ्रेश क्रीम, इसका ब्लेंडर है आपके पास तो उससे भी फेंट, हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी फेंट सकते हैं। मैं विस्कर से फेंट रहा हूँ, आपके पास जो भी उससे आप इसको फेंट लीजिए, और इस तरीके से भी आप फेंट सकते हैं। और इसमें अभी हम डालेंगे शक्कर, थोड़ी फेंटने के बाद इसमें शक्कर डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए, थोड़ी फेंटना होती है इसके लिए, और आप हम दिखाएंगे आगे जाके। तो इस तरीके से भी आप लोग फेंट सकते हैं। ये देखिए क्रीम, हमें मिल्क की ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी बनाने के लिए, और ये रेडी। ये हमारी क्रीम, शक्कर पाउडर है और इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे बस, और ये हमारी क्रीम कंप्लीट। कॉफ़ी पाउडर डाला, 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालेंगे हम, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होती है कॉफ़ी, तो हमने कॉफ़ी डाली इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर नेस्ले का, आपको जिस कंपनी का लेना आप ले सकते हैं। आइस डाली, पानी डाला, 10-12 क्यू आइस के डाले, और ये शक्कर, शक्कर हमने 2 टी स्पून करीब 20 ग्राम। आप मीठा पीते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, और फीका पीते हैं तो इस तरीके से हम फेंट लेंगे। ये देखिए इसको हमने, ये हमने चॉकलेट जो सॉस है वो डाला जो, ताकि हमारा गिलास सुंदर दिखे। ये देखिए इस तरीके से डाल देंगे तो हमारा गिलास सुंदर दिखेगा। आधे से ज़्यादा कॉफ़ी जो हमने फेंट के रखी हुई थी वो डाली, ये देखिए। और हम अब इसमें क्रीम डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से क्रीम डाल लें, चम्मच पे रख के धीरे 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 डालना है, ना तो आपकी पूरी नीचे चली जाएगी। बिल्कुल आराम से आपको डालना है ताकि वो नीचे ना जाए क्रीम, और इसको आप हिला के भी पी सकते हैं और ऐसे भी पी सकते हो। काफ़ी सुंदर और काफ़ी टेस्टी बनती है इस कोल्ड कॉफ़ी, विदाउट लीकर, विदाउट एल्कोहल डाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए दो पूरी दो लहर में दिख रही है आपके लिए, हल्का सा हमने कॉफ़ी पाउडर डाला, इस तरीके से आपको डालना है ताकि ये मिक्स ना हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, और आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और एक हमने कॉफ़ी भी डाली है एस कोल्ड कॉफ़ी, जाके चेक कर लीजिए, लिंक दे देंगे। एरिस कॉफ़ी डाली है और ये एरिस कोल्ड कॉफ़ी है, जो पहले हमने डाली उसके अंदर हमने दारू है लीकर, मतलब वाइन, और इसमें ये विदाउट लीकर है, तो ये कोल्ड कॉफ़ी है, वो कॉफ़ी है।
और आप लोगों लगन डाला हमने उसका, आप लोगों लिंक दे देंगे, जाके चेक कर लीजिए, जो कि आपका बड़ा स्वादिष्ट खाना बन सकता है उसमें, तो ज़रूर जाके एक बार चेक करिएगा।